हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए निफ्टी की वीकली स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। अगर आप कोई जॉब पर्सन हैं तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मार्केट से रिलेटेड सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट देते रहता हूँ और डेली ट्रेड के भी कुछ लेवल प्रोवाइड उस पर करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के लिए भी लिंक दिया हुआ, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से है। अभी जो निफ्टी का करेंट प्राइस है 21710 क्लोजिंग हुआ है, जो कि फ्राइडे को, आज सैटरडे है ना, फ्राइडे की क्लोजिंग है 21710। तो जो हमारा है स्ट्रेटजी, उसमें आपको 100 पॉइंट दूर, एटीएम से 100 पॉइंट दूर, एटीएम हमारा हो जाएगा 21700। हमारा एटीएम प्राइस हो जाएगा 21700 और 21700 से 100 पॉइंट दूर का एक कॉल ऑप्शन हमको बाय करना है, यानी कि 21800 का एक सी एक लॉट बाय करना है। उसके बाद 21800 से 200 पॉइंट दूर का, यानी कि 200 पॉइंट दूर 22000 का कॉल ऑप्शन एक लॉट सेल करना है, और 22200 से 200 पॉइंट दूर, यानी कि 22200 का एक सी वन लॉट कॉल ऑप्शन, इसको भी सेल करना है। और इस स्ट्रेटजी में जिसके पास कैपिटल छोटा है, उन लोगों के लिए नहीं है। जिसका कैपिटल बड़ा हो, ये स्ट्रेटजी वही लोग करें, क्योंकि इसमें मार्जिन 1,10,000 के लगभग आपका इसमें लगेगा। अगर इस मार्जिन को आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूर का एक लॉट कॉल और बाय कर लेंगे तो लगभग 50-50 के में हो जाएगा। जिसका मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 के लगभग है, वो लोग इसको कर सकते हैं। नहीं तो अगर एडजस्टमेंट इसका वन लॉट से ही कर लेंगे तो 50,000 में होगा, नहीं तो फिर आपका 1,00,000 से ऊपर इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट लगेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये अपस्टा पे हमारी स्ट्रेटजी, इसका पे ऑफ चार्ट कैसा दिखता है। ये रहा हमारा अपस्टा। सबसे पहले तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो इसमें आपको बता देते हैं कि स्ट्रेटजी बनानी कब है। पहले तो स्ट्रेटजी हमारी एक्सपायरी के दिन 3:20 पे बनानी है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो आज जैसे सैटरडे है तो इसको पहले ही बना लेना था। तो अभी हम इसको चलिए मान लेते हैं, अब नेक्स्ट एक्सपायरी का बनाते हैं, अगले एक्सपायरी का 11 तारीख वाली का, 11 जनवरी वाली का। इसकी इसको 3:20 पर वीकली एक्सपायरी का 3:20 पर बनाना है। वैसे इसमें तो एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका व्यू अगर बुलिश है कि मार्केट बुलिश जाएगा तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। चलिए पहले इसका पे ऑफ चार्ट आपको बना के दिखाते हैं। स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, देखिए हमारा जो स्पॉट प्राइस यहाँ पे है 21,709.55 है, तो हमारा एटीएम हो जाएगा 21,700। तो हम 21,700 से 100 पॉइंट दूर, यानी कि 21,800 का एक कॉल ऑप्शन सी बाय करते हैं। ये हो गया बाय वन लॉट एट पोजीशन। उसके बाद 21,800 से 200 पॉइंट दूर, यानी कि 22,000 का एक लॉट सी, 21,000 का
लॉट सी क्या करना है, इसको सेल करना है, सेल हो गया है। उसके बाद एक 22,000 से 200 पॉइंट दूर का वन लॉट सी और सेल करना है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं 22,200, सी हो गया, यहाँ से वन लॉट इसको भी सेल करना है। अभी आपको एक बार पहले दिखा देते हैं पे अप चार्ट। देखिए पे अप चार्ट हमारा अभी इस तरीके से दिखा रहा है। देखिए इस यहाँ पे हमारा क्या मार्जिन दिखा रहा है, 1,09,000 लगभग समथिंग। मैंने बोला था कि 1,10,000 के लगभग इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपना कैपिटल अगर आपका छोटा है इसमें, तो थोड़ा सा एक दूर का एक लॉट और इसमें बाय करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक लॉट और आपको दिखाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 1,00,000 से ऊपर 1,09,000 रुपया है मार्जिन दिखा रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अभी आपको दिखाते हैं इसका मार्जिन कम कैसे होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 22,200 का लिए हैं तो एक दूर का कोई 2 रुपये प्रीमियम, 2-3 रुपये प्रीमियम का एक लॉट कॉल बाय कर लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ 22,500 का, 1 रुपये 70 पैसे का है ये, इसको क्या करते हैं बाय कर लेते हैं। अभी दिखाते हैं आपको। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, पहले 1,09,000 रुपये दिखा रहा था सॉरी, और उसके बाद अभी 50,000 रुपये यहाँ पे आपका 50K दिखाने लगा। अब इसको इस यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ओनली 50,000 में आप इसको स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए पे अप चार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपका जो प्रॉफिट है, आपका बुलिस व्यू अगर है, आपका व्यू बुलिस का है, तो इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ से आपका जो रेंज है, आपका जो रेंज यहाँ पे मिल रहा है 17,21,710 से लेके, आपका जो रेंज है देखिए 21,710 से लेकर 22,365, 22,365 तक आपका रेंज है। यानी कि मैक्सिमम 600 पॉइंट का रेंज है आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए। आपका व्यू अगर बुलिश है, यहाँ लेने के बाद आपके पास इतनी बड़ी रेंज है, इसके अंदर आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहली बात तो इसमें एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मार्केट बुलिश है तो आराम से, यहाँ पे वीकली है तो यहाँ पे आराम से आपको इतना बड़ा रेंज आपको मिल रहा है, लगभग 630-635 पॉइंट का आपको रेंज मिल रहा है। यहाँ पे आप आराम से बुक करके निकल सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसमें लॉस की, तो लॉस हमारा कब होगा। लॉस हमारा देखिए यहाँ पे तो दिखा रहा है कि हमारा लॉस क्या है, मैक्सिमम लॉस यहाँ दिखा रहा है 7,000, मैक्सिमम प्रॉफिट 7,600। इसका जो प्रॉफिट रेशियो है 1.1:1 का है। सबसे बड़ा तो जो हमारा 1:1 हमारा जो 7,300 रुपये जो लॉस दिखा रहा है, इस मार्केट को क्रॉस करेगा जब ब्रेक इवन होगा यहाँ से, यानी कि 22,353, 22,353 जब यहाँ से क्रॉस करेगा तब आपको ये 7,300 रुपये का लॉस दिखाएगा। इससे पहले तो इतनी बड़ी रेंज को क्रॉस करने पड़ेगा इसको, इतनी बड़ी रेंज क्रॉस करेगा आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपके ऊपर है, यहाँ बुक कर लीजिए, यहाँ कहीं भी बुक कर सकते हैं, तब तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। इतना बड़ा लॉस का कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा। इसमें देखिए ब्रेक इवन, इसके बाद 21,800 का है, इसमें प्रॉफिट इसको तो नहीं देखना है। ये आपका प्रोबेबिलिटी या प्रॉफिट 30% दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दिखा रहा है आपको वीकली में, उससे पहले ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आपका। तो यहीं पे आप पोजीशन बनाएंगे यहाँ से लेके 21,700 से, अगर 21,800 तक भी चला गया तो लगभग 1,000-1,200 रुपये का प्रॉफिट यहीं बन जा रहा है आपको। ये आपके ऊपर है, आपको अपनी प्रॉफिट कहाँ बुक करनी है। इतना बड़ा रेंज, बहुत बड़ा रेंज है आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए। जो लोग जिसके पास टाइम नहीं है, खास करके जो लोग मार्केट में बिल्कुल नए हैं, अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगा,
तो उनके लिए ये सब हेजिंग, खास करके वो लोग हेजिंग करें, उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हेजिंग के थ्रू उनका जो अकाउंट है वो कभी साफ नहीं होगा, बचा रहेगा, अकाउंट बचा रहेगा तो बहुत ट्रेडिंग करने को मिलेगा। तो जो लोग नए हैं खास करके वो लोग अगर हेजिंग करें तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप मास्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, और क्योंकि नए लोग अक्सर उनका कैपिटल ही साफ हो जाता है, कई बार उनका अकाउंट ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, तो वो लोग उनके लिए बहुत बढ़िया है। और एडजस्टमेंट कब करना है, अगर मान लीजिए इसका हमारा प्रीमियम डीके 40% तक प्रीमियम डीके हो गया और हमको पोजीशन हमारी लॉस में चलने लगी, तो वहां पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि रेंज तो हमारे पास बहुत बड़ी है, तब तक आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आप वहां पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, अगर किसी प्रकार का आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।